जैसे ही किसी महिला के पीरियड मिस होते हैं वो ये जानना चाहती हैं कि क्या उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं, ताकि आगे की तैयारियां की जा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी के ऐसे 8 लक्षण बताने जा रहे हैं जो पीरियड मिस होने से पहले ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और जिन्हें देखकर आप ये पहचान सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या फिर नहीं। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लक्षणों के बारे में बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आपको ये लक्षण दिखाई क्यों देते हैं। देखिए, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं ताकि आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जा सके, और इन्हीं हार्मोन चेंजेस की वजह से आपको अपनी बॉडी के अंदर बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और उन्हीं बदलावों को देखकर आप ये पहचान सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में। तो इनमें सबसे पहला लक्षण है ब्रेस्ट का हैवी हो जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेस्ट के टिश्यू हार्मोन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है वैसे ही आपके ब्रेस्ट टिश्यू भी भारी होना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से आपको ब्रेस्ट हैवीनेस महसूस होगी। ज़्यादातर केसेस में जब ये हैवीनेस महसूस होती है तो इसका मतलब यही होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। प्रेगनेंसी का दूसरा लक्षण होता है ब्रेस्ट की निप्पल का कलर बदलना। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपके ब्रेस्ट की निप्पल का कलर तो नहीं बदल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब भी यही है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में जो हार्मोन बदलते हैं उसकी वजह से मिलानोसाइट प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि इसका प्रभाव उन कोशिकाओं पर पड़ता है जो निप्पल के रंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, और इसी वजह से अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपके निप्पल का कलर गहरा हो जाएगा। तीसरा लक्षण होता है बार बार टॉयलेट आना। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं आपका शरीर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन शुरू कर देता है ताकि आपके गर्भाशय तक ब्लड को पहुंचाया जा सके। ऐसे में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपकी किडनी पर भी असर पड़ता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉयलेट तैयार होती है और आपको बार बार टॉयलेट आने की समस्या होने लगती है। अगर आपको भी बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है तो ये एक सिम्टम होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। चौथा लक्षण होता है आपके शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसका बढ़ जाना और आपको मूड स्विंग्स होना। प्रेगनेंसी कंसीव करते ही आपके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने अपने टेम्परेचर को नोट किया है और अगर आपका टेम्परेचर 2 हफ्ते तक बढ़ा रहे तो इसका मतलब यही है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इसके अलावा आपको मूड स्विंग्स भी बहुत महसूस होंगे क्योंकि आपके शरीर को अभी हार्मोनल चेंजेस की आदत नहीं है जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं, और इसी वजह से आपको बार बार मूड स्विंग्स महसूस होंगे। पाँचवा लक्षण है सर दर्द होना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लड को सर्कुलेट करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसी वजह से आपको सर में दर्द होने लगता है। ये प्रेगनेंसी की शुरुआती लक्षणों में सबसे कॉमन लक्षण है और ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत दिनों से बार बार सर में दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। छठवां लक्षण है फूड क्रेविंग होना। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं आपके शरीर में फूड को लेकर क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को किसी खास चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगती है और हर वक्त उसी को खाने का दिल करता रहता है। इसके अलावा हो सकता है किसी महिला की नॉर्मल डाइट से ज़्यादा डाइट हो जाए, ये भी एक फूड क्रेविंग का ही लक्षण होता है जो कि प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। सातवां लक्षण है कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन होना। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है आपके शरीर में हार्मोन बदलते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर की पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और आपको खाने को पचाने में प्रॉब्लम आने लगती है, और इसी वजह से आपको कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। अगर आपको भी ये समस्या दिख रही है तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो। आठवां और सबसे कॉमन लक्षण होता है मतली या फिर उल्टी होना। प्रेगनेंसी कंसीव करते ही शुरुआती दिनों में आपको मतली या फिर उल्टी आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलाव को अभी आपकी बॉडी ना तो समझ रही है और ना ही उसे एक्सेप्ट कर रही है। इसी वजह से आपको सुबह उठकर कमजोरी महसूस होती है, मतली आने लगती है या फिर आपको कुछ खट्टा खाने की भी चाहत होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये भी एक लक्षण है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। अब अगर आपको भी ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो।
लेकिन फिर भी किसी नतीजे तक पहुंचने से पहले आपको एक बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये लक्षण किन्हीं और कारणों की वजह से भी दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर